आइए अब आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा के कैथल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब है तो हरियाणा, हरियाणा के लोग, और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी, अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको जानना है। अगर हम पिछड़ी जाति की बात में बात करें तो हमारे ओबीसी, हमारे जो अदर बैकवर्ड कास्ट थे, इनको आप आश्चर्य करेंगे, अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने कहा, मंत्र लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा ओबीसी भाई क्यों छूट जाए? अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी संवैधानिक दर्जा है, लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं था, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। और मोदी जी को और हम लोगों को ताकत आपने दी, आपने बटन दबाया और हमने पार्लियामेंट में बटन दबाया, सैनी ने पार्लियामेंट में बटन दबाया और ओबीसी को दर्जा दिलाया। इस बात को समझना। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास योजना, मित्रों मैं 1993 में एमएलए बन गया था। तो हरियाणा के दो दिनों के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा।